नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं दुर्गेश पांडे हस्तरेखा गुरु की तहे से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में ये जो हमारा नया वर्ष 2019 है उसके बारे में। हम बताएंगे आपको कि 2019 जो हमारा नया वर्ष है मूल्यांक ज्योतिष से उसके बारे में क्या अनुभव एक ज्योतिष के द्वारा लगाया जा सकता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हम समय को व्यस्त ना करते हुए डायरेक्टली चर्चा कर रहे हैं वर्ष 2019 के बारे में। देखिए मेरी ये जो गणनाएं हैं ये गणनाएं हमने मूल्यांक ज्योतिष से किया है और मूल्यांक ज्योतिष के अनुसार ही मैं ये अपनी 2019 वाली वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ। तो 2019 को अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिखेंगे 2019 इस तरीके से। तो हम इसमें मूल्यांक ज्योतिष निकालते हैं। सबसे पहले 2019 में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। ऐसे ही मूल्यांक ज्योतिष के पार्ट बनाए जाते हैं। तो हम 2019 को तोड़ेंगे जब, तो 20 + 19 करके हमने लिख दिया। अब आपको हम बताते हैं पढ़ करके जो हमने कैलकुलेशन किया है 2019 के बारे में कि ये गणना या घटनाएं हो सकती हैं आगामी वर्ष में भारत की या हम सभी लोगों की ये दशाएं हो सकती हैं 2019 में। इस चीज को आप गौर से सुनिएगा, हमने कैलकुलेशन करके लिखा है और मैं वो पढ़ रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 जैसा कि मैंने कहा इसको अगर जोड़ा जाए इसके अंकों को तो इसको हम लिख सकते हैं 20 + 19, लास्ट का 19 आगे का 20। इसमें हम आपको बताएंगे कि 20 का क्या मतलब होता है। मूल्यांक ज्योतिष में जो अंक 20 है, जो संख्या 20 है, उसका मतलब होता है इस अंक को बहुत ही शुभ माना गया है, यानी 20 अंक को बहुत ही शुभ माना गया है। इससे ये पता चलता है कि वर्ष 2019 का अगला भाग बहुत ही शुभ है, यानी कि 20 वाला भाग बहुत ही शुभ है। इस अंक को बहुत ही शुभ माना गया है। यह अंक जागृति तथा न्याय का प्रतीक है। इसका ये मतलब होता है कि इस वर्ष में न्याय व्यवस्था सुधरने की पूरा पूरा चांस है, यानी कह सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था काफी सुधार में आ जाए इस वर्ष में, इस बात का पूरा उम्मीद है। क्योंकि 20 का अंक यही प्रतीक करता है, यही दिखाता है कि जागृति तथा न्याय का प्रतीक 20 है, यानी इसका मतलब होता है कि धन संपत्ति संचय जागृति और न्याय का तो प्रतीक है ही, यानी कि ये न्याय व्यवस्था को सुधारने का हमारा संकेत दे रहा है। आगे हम पढ़ते हैं तो 20 का अंक ये भी कहता है कि नवीन योजनाएं तथा महत्वाकांक्षाएं प्रकट होती हैं। मैं किसी भी राजनीतिक सरकार पर अपना वो नहीं डाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं नवीन योजना जिनकी भी सरकार होगी, जैसा भी सरकार होगा, जिसका भी होगा, उसमें नवीन योजनाएं आने की काफी संभावना, यानी बहुत सारी नए योजनाएं आने की पूर्णतः 2019 में संभावनाएं बनी है और इसके साथ साथ न्याय व्यवस्था सुधारने का पूरा चांस बना है। ये अभी हमने 20 वाला ही अंक से बता रहे हैं, अभी 20 का ही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। महत्वाकांक्षा प्रकट होती है इस वर्ष में, मैंने ऐसे कई कार्य होंगे जो बहुत ही महत्वाकांक्षी लेवल पे होंगे। आगे पढ़े तो सफलता निश्चित होगी, महत्वाकांक्षाएं भी प्रकट होती हैं और सफलता भी निश्चित होगी, यानी अपने देश का, अपने भारत का, अपने स्वराष्ट्र का या कह सकते हैं राज्य का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। कई सफलताएं निश्चित प्रकट हो रही हैं, चाहे जो जहां से भी हो, जैसा भी हो। आगे हम पढ़े ठीक है, कार्य में बाधाएं तथा विलंब भी 20 बता रहा है, यानी कि कुछ ऐसे कार्य और बात होंगे जिसमें विलंब होगा लेकिन वो सफल होगा और उसमें बाधाएं भी आएंगी लेकिन वो सफल होगा। यानी कुल मिलाकर 20 का अंक ये कह रहा है कि न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से सुधरनी चाहिए और उसके साथ साथ योजनाएं नवीन आनी चाहिए, यानी नई नई योजनाएं काफी आने के संकेत हैं इस वर्ष में। उस चीज की भी सरकार, मुझे सरकार से नहीं लेने देना, मैं यहाँ ज्योतिष के टॉपिक को बता रहा हूँ और बहुत ही महत्वाकांक्षा बता रहा है 20, यानी अगला भाग तो ये बता रहा है। आइए चर्चा करते हैं 19 के बारे में कि जो लास्ट का अंक 19 है वो क्या कहता है 2019 में। चर्चा करने से हम देखते हैं कि यह शुभ अंक है, 19 भी बहुत ही शुभ है। अभी देखिएगा गौर से आप, 20 वाला अंक भी बहुत शुभ था और 19 वाला अंक भी बहुत शुभ है। इससे एक बात और संकेत होता है कि 2019 का वर्ष बहुत ही शुभ जाना चाहिए। ठीक है, 19 का अंक बहुत ही शुभ है, 20 में तो कुछ बाधाएं और विलंब भी बताई दी लेकिन अभी हम 19 में बात कर रहे हैं, तो 19 का अंक बहुत ही शुभ बना हुआ है। यह सूर्य का प्रतीक है, 19 का अंक सूर्य का प्रतीक है।
सूर्य का प्रतीक मतलब इसी बात से संकेत होता है कि इस वर्ष में मान सम्मान या ऐसे कई चीजें होंगे जो हाई लेवल पे जाएंगी और वो फेमस होगा, मतलब अपने ही देश में चाहे नवीनतम योजनाओं के कारण या कुछ ऐसे कार्य इस वर्ष में होंगे जो सूर्य का प्रतीक मतलब बहुत ही कह सकते हैं नामी चीजें हो जाएंगी वो, या कह सकते हैं कि उनका नाम काफी हो, ऐसे कार्य होंगे इस वर्ष में जो सूर्य के प्रतीक का यही अर्थ होगा कि बहुत ही फेमस हो जाएंगे वो कार्य, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं देश लेवल पर काम हुआ तो देश बहुत फेमस हो जाएगा कुल मिलाकर, या जिस भी लेवल की काम होंगे वो बहुत ही सफलता और यश प्राप्ति करेंगी, सूर्य का प्रतीक होने का ये मतलब है। अगर लास्ट वाला ये मैं बता रहा हूं, इससे हर्ष सफलता प्रतिष्ठा तथा मान वृद्धि प्रकट होती है, मतलब इस अंक से यानी इस वर्ष में हर्षोल्लास काफी बना रहने का संभावना, यानी खुशियां काफी आएंगी अगर देखा जाए तो। देखिए मैंने कहता मैं ब्रह्मा हूं, लेकिन जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं मैं उन्हीं चीजों को पढ़ रहा हूँ जो कैलकुलेशन आया है, अगर कोई जानने को इच्छुक है यह कैलकुलेशन कैसे तो मैं वो भी बता सकता हूँ। तो इस वर्ष में हर्ष उल्लास काफी आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, सफलताएं भी काफी दिखाई दे रही, चाहे वो योजनाओं के थ्रू चाहे जिसके थ्रू जिसकी भी सरकार हो, प्रभु करे आगे अच्छा अच्छा ही हो। मैं तो सभी को शुभकामना करूंगा कि जिस प्रकार से मूल्यांक ज्योतिष सब शुभ निकल रहा है वो शुभ ही आए, इस वर्ष में शुभ कार्य ही हो, प्रतिष्ठा मान वृद्धि भी प्रकट हो रही तो अपने देश का मान प्रतिष्ठा वृद्धि हो इस बात से। अब हम इस 2019 के मूल्यांक ज्योतिष में हमने 20 को देखा और 19 को लास्ट के 19 और आगे के 20 को हमने देख लिया। अब देखेंगे हम सभी अंकों को जोड़कर, तो अगर हम 2019 के सभी अंकों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 + 0 + 1 + 9, कुल मिलाकर 9 1 10 और 2 12, यानी 12 का अंक प्राप्त होता है। ठीक है, 12 का अंक प्राप्त होता है, और अगर फिर 12 को भी जोड़ लेते हैं तो 1 + 2 = 3, यानी इस वर्ष का संयुक्त अंक क्या बना, वो 3 बना, संयुक्त अंक 3 बना है इस वर्ष का, यानी इस वर्ष के सभी अंकों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, इसे ही संयुक्त अंक बनाना कहते हैं। अब हम बात करेंगे जब किसी वर्ष के योग का संयुक्त अंक 3 होता है तो क्या मतलब है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जिस भी वर्ष का संयुक्त अंक मैंने देखा 3 है, इसका स्वामी बृहस्पति होता है, यानी कि किसी भी अंक का अंक 3 आया हमारा संयुक्त अंक, इसका स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति स्वामी होने से इस वर्ष में अनुशासन प्रियता होगी, पहले भी मैंने बताया कि न्याय व्यवस्था सुधरने का पूरा चांस बना हुआ है, तो अनुशासन प्रियता वाले कार्य होंगे, धर्म में आस्था बनेगी। देखिएगा संयुक्त अंक 3 कह रहा है, यानी पूरा वर्ष के अंकों को जोड़ने पर जो 3 आया वो मूल्यांक ज्योतिष कहता है, वो भविष्य कथन कहता है कि धर्म में आस्था होगी इस वर्ष में। अब देखिए मैं यहाँ भी राजनीतिक मुद्दों को नहीं छेड़ूंगा, धर्म में आस्था होने से ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कार्य रुका हो धर्म से, कोई जैसे चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या कुछ भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर प्रतीक चिन्ह पर इशारा नहीं करूंगा, वो भी पूर्ण होने का चांस है, क्योंकि धर्म में आस्था बना हुआ है, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, इन सबके कारण मैं कह सकता हूँ उत्तम चरित्र भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं न्याय व्यवस्था सुधरे और लोग भी सुधरे, धर्म में आस्था काफी रहेगी, विश्वास काफी बढ़ेगा, आदि गुणों का प्रतीक है। अब इन चीजों पर हम आगे ही बढ़ते हैं तो फिर 20 के और 19 के अंकों को जोड़ने पर 39 होता, 3 का काम खत्म हो गया। ये न्याय का प्रतीक, अनुशासन प्रियता, धर्म में आस्था, धर्म से रिलेटेड काम को उजागर बताता है, यानी कुछ ऐसे कार्य होंगे जो धर्म में क्या कहते हैं बचे हुए हैं या अटके हुए हैं, वो पूरा होने के पूर्णतः चांस बने हुए हैं। आगे हम पढ़े तो 20 और 19 दोनों का अंक मिला लिया जाए, यानी 20 + 19 = 39 होता है, जिसका मतलब हो गया अद्वितीय संगठन शक्ति, ऐसा भी कह सकते हैं कोई ऐसी चीज उभर कर सामने आए जो अद्वितीय संगठन के रूप में आगे आ जाए, चाहे वो राजनीतिक दल से हो चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी भी चीज में हो, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो अद्वितीय संगठन शक्ति का प्रतीक करेगी। व्यवस्था काफी हाई लेवल की होगी कह सकते हैं, क्योंकि 39 का अंक व्यवस्थापक बताता है, अद्वितीय संगठन शक्ति बताता है, विश्व ख्याति प्राप्त करने का योग है। वर्ष 2019 में ऐसे कुछ कार्य हो, भारत के लाल ऐसे ऐसे पैदा हो जिससे भारत का नाम रोशन हो और विश्व ख्याति प्राप्त हो, और मेरी ये कथन भी सही जाए, प्रभु करे ऐसा हो। अद्भुत आत्मिक व मानसिक शक्ति, ध्येय पर पहुंचने का दृढ़ निश्चय, स्वतंत्र विचार, सफल जीवन, इस अंक का मतलब होता है 39। कुल मिलाकर विश्व ख्याति प्राप्त करवाएगा, अद्वितीय संगठन शक्ति का भी निर्माण हो सकता है, कोई ऐसी दल राजनीतिक हो चाहे राष्ट्र हो या स्वराष्ट्र हो, कुछ भी किसी चीज का ऐसा विकास होगा जो अद्वितीय शक्ति लेगी, संगठन के रूप में कार्य करेगी। तो कुल मिलाकर 2000 का भविष्यफल बहुत ही शुभ है। यहीं पर एक चीज और मैं और चर्चा कर देता हूँ
और वो चीज मैं लिख के रखा हूँ, जरा हमको देखने दीजिए। हाँ, ये थोड़ी सी, जब हम देखो, हम जब जोड़ेंगे सभी अंकों को तो मूल्यांक ज्योतिष के 2+0+1+9 यानी कि ये मिला के 12 हुआ। फिर हमने संयुक्तांक बनाया था, 12 और 1 सॉरी 2 और 1 3, संयुक्तांक 3 बना था जिसका हमने मतलब बता दिया। ठीक है, अब हम बताते हैं 12 का मतलब, क्योंकि देखो जब 2+0+1+9 जुड़ा तो 12 भी बना, जैसे 39 बना तो उसका मतलब हमने बताया, अब 12 बन रहा है, 4 ही बनेंगे, देखिए इतने ही तो बनने वाले हैं, 1 20 1 19, आगे का 20 लास्ट का 19, एक केस। दूसरा क्या केस क्या हो गया, सभी अंकों को हमने जोड़ लिया तो वो क्या आया, 3 आया सभी को जोड़ने पर। और फिर हमने क्या किया, तीसरे केस में 20 और 19 को जोड़ा, 39 बन गया। एक केस और हमारे साथ क्या हो जा रहा है कि हम 2+0+1+9 को जब जोड़ते हैं तो 12 आता है। अगर और कोई केस बन रहा है तो उसका भी हम आपको बता देंगे कि उसका क्या मतलब होगा, तो 12 का क्या मतलब होता है वो भी इसी में चर्चा कर लें। यह अंक मानसिक चिंता या कष्ट का द्योतक है, ऐसा भी कह सकते हैं, प्रारंभ में ऐसा कुछ हो जो काफी तनावग्रस्त रखे या मानसिक चिंता का कारण बने। ठीक है, और अन्य लोग अपनी कार्य साधना के लिए अपने स्वार्थ की वेदी पर इनके हितों की बलि चढ़ा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 12 का अंक थोड़ा सा मानसिक चिंता का कारण बना है, या क्या कहते हैं कि दूसरे के लाभ पे थोड़ा सा दावा ठोकने वाले या बेईमानी का भी कार्य बता सकते हैं, क्योंकि स्वार्थ की बलि भी बता रहा है कि कई ऐसे कार्य हो सकते हैं जो अपनी स्वार्थ की वेदी पर अपना स्वार्थ साधने के लिए दूसरों के हितों का बलि प्रदान कर देंगे। तो इस वर्ष में इस बात की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर तब भी मैंने देखा ज्यादातर 70 से 80% इस वर्ष के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी के लिए, मेरा तहे दिल से ये आकांक्षा है कि सभी के लिए वर्ष बहुत ही उत्तम हो, सब लोग अपने अपने ध्येय में, अपने अपने लक्ष्य पर क्या कहते हैं, प्रकाश डालें और वहां पर सफलता प्राप्त करें, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें और लाइक करें कि मेरा दिल प्रसन्न हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कुछ लोग गलत कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने गणना है किया है, इस गणना को मैंने मतलब मेरे पास प्रूफ है, कहता हूँ मैंने कैसे किया। तो कुल मिलाकर मैंने मूल्यांक ज्योतिष से वर्ष 2019 का फल बताया है। अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें, चैनल नए नए हो अगर आप हमारे चैनल पर, और लाइक करें और हमारे साथ प्रेम भाव बनाए रखें। थैंक्स फॉर विजिटिंग हस्तरेखा गुरु, वॉचिंग हस्तरेखा गुरु। थैंक्स थैंक्स।